रिलायंस जियो के द्वारा कहा गया है कि सरकार को 2G और 3G सेवाओं को बंद कर देना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने पुरानी टेक्नोलॉजी विशेष रूप से 2G और 3G नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जियो के रूप का विरोध करते हुए सुझाव दिया है कि सरकार को इसके संबंध में एक नीति बनानी चाहिए। यह प्रतिक्रिया 5G को सिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन पर ट्राई के परामर्श पत्र के जवाब में प्रस्तुत की गई है। अपने जवाब में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां और मांगे प्रकृति में बयानबाजी है और नियामक आदेशों के माध्यम से नेटवर्क बंद होने से मौजूदा ग्राहकों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को नजरअंदाज करती है। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि 2G नेटवर्क मुख्य रूप से फीचर फोन वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान कराता है, जो नए डिवाइस खरीदने की फोन की कीमत ज्यादा होने के कारण स्मार्टफोन पर स्विच करने में असमर्थ हो सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बड़ी संख्या में ग्राहक अभी भी 2G नेटवर्क पर निर्भर हैं। वोडाफोन आइडिया ने बताया कि 2G नेटवर्क मुख्य रूप से उन ग्राहकों को कवरेज प्रदान करते हैं जो अभी भी फीचर फोन का उपयोग करते हैं और नए हैंडसेट खरीदने की लागत के कारण स्मार्टफोन पर स्विच करने में असमर्थ हैं। टेलीकॉम कंपनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभी भी 2G नेटवर्क से ग्राहकों को बड़ी संख्या में सेवा मिल रही है। 3G नेटवर्क के संबंध में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि 3G सेवाओं तक पहुंचने के लिए अभी भी नेटवर्क का उपयोग करने वाली 3G स्पेसिफिक डिवाइस की संख्या के आधार पर उन्हें विभिन्न सर्किलों में धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। वोडाफोन आइडिया ने पुष्टि की है कि उसने महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, कोलकाता और आंध्र प्रदेश नामक 5 सर्किलों में 3G नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।